हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अभय, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरजीपीवी शिवानी सोलर यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें करने जा रहा हूँ। आप सभी का पूछा हुआ क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन का मैं आंसर देने जा रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन इकट्ठे हो गए थे कॉमेंट बॉक्स में, तो मैं सारे क्वेश्चन को इकट्ठा किया हूँ और एक ही साथ मैं आंसर देने जा रहा हूँ। और बहुत सारे क्वेश्चन सेम टाइप के थे, बहुत सारे क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के थे, तो मैं सबको लिया हूँ और एक एक करके मैं आज बताने जा रहा हूँ। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सुनना बहुत जरूरी है दोस्त। आपके लाइफ में कहीं ना कहीं ये यूज हो जाएगा और बहुत हेल्पफुल है ये आंसर, तो आप ध्यान से देखें अंत तक दोस्त। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है कि आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए, कुछ जरूरी बातें करनी है। तो दोस्तों, मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे चुका हूं। आप आरजीपीवी शिवानी सोलवर के अबाउट में जाइए, वहां पे व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन आप प्रीफर करें मैसेज करना ही। और दोस्तों, एक क्वेश्चन क्या है कि ये जो एलईडी की सारे पैकेट है वो मैं कहां से खरीदता हूं। आप सभी को जरूरत पड़ रही है, आप खरीदना चाह रहे हैं लेकिन आपको मिल नहीं पा रहा है, तो मैं बता रहा हूं दोस्त ऑफलाइन खरीदने का, मतलब शॉप से खरीदने का तरीका बता रहा हूं कि मैं जहां से खरीदता हूं, ये है पटना के बाकरगंज। वहां से मैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप से, एलईडी के शॉप है, वहां से मैं खरीदता हूं। आप पटना में हो, आप बिहार से हो, तो पटना में बाकरगंज से खरीद सकते हैं। कोलकाता में आप चांदनी मार्केट से खरीद सकते हैं, चांदनी बाजार से। यदि आप एमपी के हो तो भोपाल में, एमपी नगर में आप खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन की सिलसिला चालू करने से पहले मैं एक चीज आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है दोस्त, मुझे आंसर देने में बहुत खुशी होती है। लेकिन आप कमेंट करने से पहले एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ ले, क्योंकि आपके क्वेश्चन का आंसर वहीं पे मिल जाएगा। या फिर कमेंट पढ़ ले, कमेंट जो मेरा किया हुआ रहता है, जो फर्स्ट में ऊपर में टैग किया हुआ रहता है, मेरा कमेंट सबसे ऊपर रहता है, वो कमेंट को पढ़ ले, आपका सारा कमेंट का आंसर वहीं पे मिल जाएगा। आप कमेंट करते हैं तो एक दिन बाद, दो दिन बाद रिप्लाई आता है, तो इतना दिन आपको इंतजार न करना पड़े। इसलिए मैं कह रहा हूं कि डिस्क्रिप्शन और कमेंट जो टैग किया हुआ है, हाईलाइटेड किया हुआ है, वो जरूर एक बार देख ले। और दोस्तों, मैं ये कहता हूं कि कभी भी आप कमेंट देखें, उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपको यदि आंसर आ रहा है तो आप उस क्वेश्चन का रिप्लाई करके आप आंसर दे दे, ताकि किसी को भला हो सके दोस्त, और जल्दी भला हो जाए। मैं हेल्प कर रहा हूं, आप भी तो हेल्प कर सकते हैं, तो आप किसी को हेल्प कर सकते हैं दोस्त। किसी भी कमेंट का लगे कि आप आंसर दे सकते हैं तो आप भी दे दीजिए दोस्त। और दोस्तों, एक क्वेश्चन क्या है कि इसका पिन कैसे पता करें कि पॉजिटिव और निगेटिव कौन है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो भी पिन बड़ा है वो पॉजिटिव है और जो भी छोटा है वो निगेटिव है। ये टू पिन आरजीबी एलईडी है, इसमें एक ही एलईडी में तीन कलर जलते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, इसीलिए नाम है आरजीबी एलईडी 5mm। ठीक है, तो ये आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे आरजीबी एलईडी 5mm, तो आपको मिल जाएगा ये टू पिन वाला। और इसमें बड़ा वाला पॉजिटिव है, छोटा वाला निगेटिव है। और इसी तरह से सेम ये भी एलईडी है, ये सिंगल कलर का एलईडी है, ये व्हाइट जलता है। इसी तरह से मैं परचेज कर लिया हूं पैकेट, और ये है ब्लू एलईडी है, ये ग्रीन है, और ये व्हाइट है, और ये रेड है, और ये आरजीबी एलईडी है, एक ही एलईडी में तीन कलर जलता है। तो दोस्तों, अब मैं इसका प्राइस बता दे रहा हूं कि कितना में मार्केट में मिलता है। तो दोस्तों, मैं जहां से परचेज करता हूं बाकरगंज से, वहां पे 500 में 1000 पीस का पैकेट मिल जाता है। एक पीस में 1000 पीस रहता है, 500 में मिल जाता है। लेकिन आप बहुत ज्यादा परचेज करते हैं तो 500 से भी कम में मिल जाएगा, शॉप पे खरीद सकते हैं, जनरली आपको 500 में मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, मैं इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज बता दे रहा हूं कि कितना वोल्ट पे ये सही से चल पाएगा। तो इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है 3.2 वोल्ट टू 3.4 वोल्ट। इस रीजन में कभी कुछ नहीं होगा, इस रीजन में ये एलईडी बिल्कुल सेफ रहेगा, कभी खराब नहीं होगा, ये लाइफ टाइम तक चलेगा। और एक एलईडी का लाइफ टाइम बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा, तो आप इस रीजन में बहुत अच्छा से चला पाएंगे। लेकिन आप चलाना चाहते हैं तो 2 वोल्ट से 5 वोल्ट के बीच में भी चला सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत एक प्रॉक्स चलता है, 5 वोल्ट होता है मैक्सिमम लिमिट, उस लिमिट के बाद आप देंगे तो फ्यूज हो जाएगा। 5 वोल्ट पे थोड़ा सा चांसेस बनता है कि फ्यूज हो जाएगा, लेकिन उससे कम देंगे तो फ्यूज नहीं होगा, और मिनिमम 2 वोल्ट से ऊपर देंगे तो आप चला सकते हैं। और यही ऑपरेटिंग वोल्टेज सभी के लिए लागू है, सिर्फ रेड एलईडी को छोड़ करके। रेड एलईडी को कभी भी इतना वोल्ट नहीं दे, 3 वोल्ट पे भी वो फ्यूज हो जाएगा। रेड एलईडी को सिर्फ 1.5 वोल्ट दे, 1.5 वोल्ट से कम दे तो वो चलेगा। और आप रेड बल्ब को जलाना चाहते हैं चार्जर पे, तो 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाना होगा, या फिर मोबाइल बैटरी पे चलाना चाहते हैं तो 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाना होगा, तभी चल पाएगा। तो आइए दोस्तों, अब मैं इसका कनेक्शन के बारे में बता दे रहा हूं, पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, सीरीज कनेक्शन क्या होता है, और एक कनेक्शन में कितना एलईडी लगा, ये सारी बातें मैं बता दे रहा हूं। देखिए दोस्तों, पैरेलल कनेक्शन क्या होता है कि दो वायर जा रहा है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो ये बल्ब का एलईडी का पॉजिटिव पॉजिटिव में जोड़ दिए, और एलईडी का निगेटिव निगेटिव वाले वायर में जोड़ दिए, तो ये होता है पैरेलल कनेक्शन।
अच्छा फिर अगला बल्ब भी ऐसे ही जोड़ा गया है, पॉजिटिव वायर से पॉजिटिव टर्मिनल इसका और निगेटिव से निगेटिव पिन जोड़ दिए, तो ये हो गया पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में आप जितना एलईडी चाहे उतना लगा सकते हैं, इसमें सब एक एलईडी लगाए, चार एलईडी लगाए, पांच एलईडी, दस, पचास, हंड्रेड, जितना भी लगाए आपका लाइट उतना ही मिलेगा और कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पैरेलल कनेक्शन में आप जितना चाहे एलईडी उतना लगा सकते हैं, मैक्सिमम इनफाइनाइट कंडीशन होता है और मिनिमम एक होता है, तो आप जितना भी चाहे उतना लगा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम इनफाइनाइट लगाएंगे तो थोड़ा सा पावर डिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण आपका एलईडी डिम हो जाएगा, कम लाइट जलेगा, इसलिए आप 100-1000 तक जला सकते हैं, अच्छा कंडीशन पा सकते हैं। पैरेलल में आप इंडिपेंडेंट है, जितना भी एलईडी चाहे उतना लगा सकते हैं, लेकिन सीरीज कनेक्शन में आपको वोल्टेज डिविएशन होगा, एक एलईडी लगाएंगे तो 3 वोल्ट चाहिए, 2 एलईडी तो 6 वोल्ट, 3 एलईडी सीरीज कनेक्शन करेंगे तो 9 वोल्ट और 4 एलईडी तो 12 वोल्ट, ऐसा वोल्टेज बढ़ते जाएगा सीरीज कनेक्शन में। सीरीज कनेक्शन कैसा होता है कि ये 2 पिन है, एक पॉजिटिव निगेटिव, फिर अगला एलईडी ऐसे लगेगा, इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ और इसका पॉजिटिव, फिर उसी तरह से उसका पॉजिटिव अगला का निगेटिव जाएगा, इस तरह से सीरीज कनेक्शन होता है। फाइनल एक बचेगा पॉजिटिव और निगेटिव, उसमें आप सप्लाई देंगे तो वो जितना एलईडी होगा उसका वोल्टेज को जोड़ करके आपको सप्लाई देना होगा, तब सारे एलईडी जलेंगे। तो आइए दोस्तों, अब मैं ग्लूगन स्टिक के बारे में बता दे रहा हूँ कि ये कहाँ से खरीदे और कितना में खरीदे और इससे क्या होता है। ये देखिए दोस्तों, ये ग्लूगन स्टिक है, जो ग्लूगन जो चिपकाने वाला होता है गन, उसका स्टिक है ये, आपको होलसेल रेट में 8 रुपये मिल जाएगा और ये जो है बहुत बढ़िया क्वालिटी का है, आप कितना भी इसको रोटेट कर दे ये कभी नहीं टूटेगा। एक पर्सन कॉमेंट में पूछे थे कि ये टूट जाता है, लेकिन दोस्त आप अच्छा क्वालिटी के लीजिएगा तो कितना भी कुछ कर ले ये टूटने वाला चीज है नहीं, ये कभी नहीं टूटेगा दोस्त, ये ग्लूगन स्टिक है, आप इसको 8 रुपए में खरीद सकते हैं और ये मिलेगा आपको आपको स्टेशनरी के दुकान पे या इलेक्ट्रॉनिक शॉप के दुकान पे, इलेक्ट्रॉनिक पे मिल जाएगा या फिर स्टेशनरी दुकान पे मिलेगा। और दोस्तों मैं इस ग्लूगन स्टिक से बहुत सारे वीडियो बनाया हूँ, सारे वीडियो बहुत ही औसम है, आप देख सकते हैं। इसी से मैं सनलाइट बनाया हूँ, सन डेकोरेशन लाइट के बाद इसी से मैं बैनर भी बनाया हूँ, बैनर प्लेट जो शॉप का दुकान का नाम प्लेट नेम प्लेट लगाते हैं वो भी मैं बनाया हूँ, और इससे बहुत सारी डेकोरेटिंग लाइट भी बनाया हूँ, आप देख सकते हैं दोस्त, बहुत ही मस्त इससे बनता है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा गया है कि ये जो एलईडी है इसमें जंग लग जाता है बहुत दिन बाद, तो उससे जंग से कैसे बचा जाए, बहुत दिन बाद लगता है दोस्त जंग, तो इससे बचने के लिए 3 उपाय मैं बताने जा रहा हूं। फर्स्ट उपाय क्या है कि आप इसको कॉपर वायर से वायरिंग करें, कभी भी वायरिंग करें तो कॉपर वायर से, तो जंग लगने से बच सकते हैं। दूसरा उपाय क्या है कि आप हवा लगने से बचाएं, हवा ना लगे और पानी की छींटा तो पड़े ही नहीं, पानी की बूंद कभी नहीं पड़े। और हवा लगने से कैसे बचाया जा सकता है कि आप पीछे पन्नीक लगा सकते हैं, लेमिनेशन नहीं, पन्नीक लगा करके चिपका सकते हैं टेप से, या फिर हवा लगने से सिर्फ बचा ले दोस्त। और तीसरा उपाय क्या है कि आप ग्लू गन लगा सकते हैं, ग्लू गन, ये जब भी वायरिंग करें तो उस पर ये ग्लू गन लगा दे, यही स्टिक इसी को इधर पीछे लगाया जाता है ये ग्लू गन में, और इसे चिपका दे पूरा अच्छा से, जहां पे भी वायरिंग किया हुआ है सब जगह पे ये ग्लू गन लगा दे, हवा लगने से बच जाएगा, पानी लगने पानी पड़ने से भी बच जाएगा, और कॉपर वायरिंग किया हुआ है तो कभी भी जंग नहीं लगेगा। तो आइए दोस्तों अब सबसे मस्त वीडियो धमाका चक्री के बारे में बात करता हूं कि क्या इसमें क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि इसमें एलईडी कितना लगाया जाए, तो देखिए दोस्तों इसमें 20 एलईडी भी लगा सकते हैं, 25 भी, 30 भी, इसमें क्या क्वेश्चन पूछने की बात है, आप अंदाज से देख लेंगे कितना लगाना है। मैं इसमें 28 एलईडी लगाया हूं, ठीक है। उसके बाद ये धमाका चक्री पार्ट 2 है, इसमें 10 एलईडी लगा हुआ है। तो दोस्तों एक बात मैं बता दूं कि मैं धमाका चक्री बनाया था, वो वीडियो बहुत चल रहा है, आप भी देख ले, और उस वीडियो में मैं बोला था कि आप इसका नाम एक अच्छा सा बताएं और मुझे जो अच्छा लगेगा उन लोगों को, 5 लोगों को मैं ये धमाका चक्री दूंगा। तो दोस्तों ये मैं कब का दे चुका हूं, आप अब जो कमेंट करेंगे, इसका नाम जो लिख रहे हैं वो बहुत अच्छा अच्छा नाम आ रहा है, लेकिन सॉरी दोस्त अब मैं दे नहीं पाऊंगा क्योंकि 5 लोग को मैं दे चुका हूं ऑलरेडी। तो दोस्तों अब मैं ये एलईडी ऑनलाइन परचेज करने की तरीका बताने जा रहा हूं कि ऑनलाइन कहां से परचेज करें। एक लोग पूछे हैं कि फ्लिपकार्ट पे मिलता है कि नहीं, फ्लिपकार्ट पे मैं अभी सर्च किया हूं, आरजीबी एलईडी 5mm तो नहीं मिल रहा है, दूसरा एलईडी मिल रहा है, एलईडी सीरीज लाइट मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों ये आप अमेजोन पे सर्च कर सकते हैं, मैं अभी कंप्यूटर पे जाकर के बताता हूं आपको। तो कंप्यूटर पे जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं दोस्त, ये मैं सनलाइट बनाया था, आप मेरे चैनल पे आरजीबीवी शिवानी सोलर पे जाकर के आप ये लाइट ढूंढ करके देख ले दोस्त। मैं ये आपसे कह रहा हूं दोस्त कि आप ये वीडियो जरूर देख ले, बहुत ही अच्छा वीडियो, बहुत ही अच्छा वीडियो। और एक और वीडियो के बारे में मैं कह रहा हूं कि ये जो मैं कमल का फूल बनाया था, लोटस फ्लावर, ये वीडियो आप जरूर देखे दोस्त, मैं दिल से कह रहा हूं एक बार। तो दोस्तों एक क्वेश्चन सब लोगों का है कि ये आप
आप जब भी जोड़ते हैं, जब भी कोई भी वीडियो बनाते हैं तो हमेशा एलईडी को पैरेलल कनेक्शन ही क्यों करते हैं? तो दोस्तों अभी तक मैं जितना भी वीडियो बनाया था सब में पैरेलल कनेक्शन किया था, लेकिन अब मैं सीरीज कनेक्शन करने जा रहा हूँ। और क्वेश्चन एक ये भी है कि एसी 220 वोल्ट पे क्यों नहीं चलाते, हमेशा चार्जर का सहायता क्यों लेते हैं? तो मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, दूसरे वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है दोस्त। तो वो वीडियो में इतना अच्छा बनाऊंगा कि पैरेलल कनेक्शन को छोड़ करके सीरीज कनेक्शन कर करके मैं बताऊंगा और एसी 220 वोल्ट पे चलाऊंगा। उस वीडियो में टोटल चीज प्रैक्टिकल में बताऊंगा करके। और दोस्तों एक क्वेश्चन सभी लोगों का है कि आप जितने भी डेकोरेटिंग लाइट का वीडियो बनाया है सब में चार्जर यूज किए हैं, वो चार्जर कितने एम्पियर का है और कितने आउटपुट वोल्टेज देते हैं? तो इसका इनपुट वोल्टेज है 220 वोल्ट एसी और आउटपुट वोल्टेज है 5 वोल्ट। और ये चार्जर है मोबाइल का चार्जर है, यूएसबी से मैं यूज करता हूँ। ये यूएसबी को मैं काट देता हूँ और इसमें चार फेज पांच फेज निकलता है, पांच वायर निकलता है, चार वायर निकलता है, तो बाकी सबको काट देता हूँ, सिर्फ रेड और ब्लैक को रहने देता हूँ और रेड ब्लैक को यहाँ पे कनेक्शन करता हूँ एलईडी डेकोरेशन लाइट में। और ये जो दोस्तों एम्पियर है 1.5 एम्पियर का ये चार्जर है, आप 2 एम्पियर से भी चला सकते हैं, 2.5 एम्पियर से भी चला सकते हैं, आप कोई भी मोबाइल चार्जर से चला सकते हैं दोस्त ये सारी डेकोरेटिंग लाइट का वीडियो। और दोस्तों इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो 5 वोल्ट डीसी है। और आप मोबाइल चार्जर से ही नहीं, आप मोबाइल बैटरी से भी चला सकते हैं, पावर बैंक से भी चला सकते हैं और यूएसबी केबल से सारे जगह से चला सकते हैं। आप लैपटॉप में यूएसबी केबल लगा करके एक तरफ यूएसबी को काट करके यहाँ पे ज्वाइनिंग करके जला सकते हैं, जितने भी डेकोरेटिंग लाइट का वीडियो है सभी डेकोरेटिंग लाइट आप जला सकते हैं यूएसबी केबल और पावर बैंक से भी चला सकते हैं। और दोस्तों आज के वीडियो में मैं जो भी बताया हूँ उससे भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो मैं पहले एक वीडियो बनाया हूँ कंसेप्ट ऑफ एलईडी एंड डेकोरेशन लाइट, उसमें बहुत ही डिटेल्स में बताया गया है, सारी चीजें अच्छा से एक्सप्लेनेशन किया गया है, आप उस वीडियो में इससे भी ज्यादा जानकारी ले सकते हैं, वो वीडियो आप देख ले कंसेप्ट ऑफ एलईडी एंड डेकोरेशन लाइट। उसमें बहुत ही ऐसे बात बताया गया है जो आपको जरूरत होगा, वो आपको चाहिए होगा, वही बात उसमें बताया गया है, वो आपको बहुत ही हेल्प करेगा, वो वीडियो आप एक बार जरूर देख ले दोस्तों। आइए दोस्तों मैं ऑनलाइन आरजीबी एलईडी परचेज करने की तरीका बता दे रहा हूं। यहां पे गूगल पे आपको टाइप करना है आरजीबी एलईडी 5M, जिस तरह से मैं यहां पे टाइप किया हूं, उसके बाद इंटर कर देना है। और देखिए दोस्तों यहां पे कुछ एलईडी आ गए हैं, ये 4 पिन वाले एलईडी है, मैं 2 पिन वाले ढूंढ रहा हूं, मैं अमेज़न का ढूंढ रहा हूं, कहां पे है ये देखिए दोस्तों अमेज़न का यहां पे आ गया, आपको दिख रहा होगा ये आरजीबी एलईडी लिखा हुआ है, आरजीबी एलईडी और 84 में 50 पीस मिल रहा है, तो ये है, यहां से आप परचेज कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों 50 पीस आपको 84 में मिल रहा है अमेज़न पे, मैं ये फाइंड कर रहा हूं। देखिए दोस्तों यहां पे लिखा हुआ है आरजीबी एलईडी 5M, ठीक है, जो मैं बोलता हूँ आरजीबी एलईडी 5M। और फिर देखिए दोस्तों थोड़ा सा नीचे स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको ईबे पे आरजीबी एलईडी 5M, तो इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मिल जाएगा आपको। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ईबे खुल गया है और यहाँ पे 100 पीस का है आरजीबी एलईडी 5M और यहाँ पे 1000 पीस है, तो इसको मैं 100 पीस वाला ओपन कर ले रहा हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे $4.95 में मिल रहा है 100 पीस, ये $4.95 जो दिया हुआ है आप इसको रुपीज में कर सकते हैं इंडिया कंट्री सिलेक्ट करके, ठीक है, और उसके बाद 1000 पीस भी मंगा सकते हैं ईबे से, बिल्कुल इंडिया में मंगा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ईबे पे मिल रहा है 100 से 1000 पीस और 3 से 5 mm, यहाँ पे सब कस्टमाइज है, पूरा आप अपना से सिलेक्ट कर सकते हैं कितना पीस चाहिए, कितना एमएम वाला चाहिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 100 पीस चाहिए 5 mm का, तो ये सिलेक्ट कर देंगे तो ये यहाँ पे डॉलर में आ जाएगा प्राइस, आप इसको इंडियन में कर सकते हैं कंट्री सिलेक्ट करके, ठीक है। अब मैं एक और वेबसाइट बता दे रहा हूं जहां से आप परचेज कर सकते हैं, ये देखिए दोस्तों aliexpress.com गूगल, ये देखिए दोस्तों यहां पे बहुत सारे एलईडी आ गए हैं, यहां पे देख सकते हैं आप, मैं इंडिया कंट्री सिलेक्ट कर लिया हूं इसलिए aliexpress यहां पे डॉलर पे नहीं दिखा रहा है। देखिए दोस्तों यहां पे आपको इंडियन फ्लैग दिख रहा होगा और INR यहां पे दिख रहा है, मतलब मैं इंडिया सिलेक्ट करके रखा हूं। ये देखिए दोस्तों यहां पे 100 पीस 5 mm आरजीबी एलईडी 3018 में मिल रहा है, यहाँ पे अभी बहुत महंगा है, पहले कुछ दिन पहले बहुत ही सस्ता था, तो इसलिए आप यहाँ पे ऑनलाइन थोड़ा आपको महंगा मिलेगा, इससे अच्छा है कि अमेज़न पे आप परचेज कर ले, इससे सस्ता मिल रहा है।